एक काम कर देते हैं कम से कम, पर मिलेगा जो क्लास नहीं किया उसको नहीं मिलेगा, ये न्यू स्टूडेंट को मिलेगा। शिशु बध प्रतिबंध लिखो, नहीं लिखोगे ना तो सर बोलता है लड़का कि सर लाइव रिकॉर्डिंग दीजिए सर रिकॉर्डिंग, जब रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे अपलोड करते हैं तो कौन लड़का देखता है, मुझे तो पता चलता है ना, चार लड़का दो लड़का दिखेगा, तो जो लाइव में पढ़ लोगे मेरे साथ वो नहीं पढ़ पाओगे रिकॉर्डिंग। देखो बेले जली, ये गवर्नर जनरल, इसको खत्म कौन किया, तो पहले अंग्रेज का शासन था भारत में तो शिशु वध पहले होता था, जैसे लड़कियों की वध कर दिया जाता था, तो इसको बेले जली गवर्नर जनरल, अंग्रेज गवर्नर जनरल बेले जली जो इसको है वो इसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। दूसरा देखो, दूसरा सती प्रथा, सती प्रथा मतलब समझते हो ना, सर सती प्रथा प्रतिबंध मतलब कि जिनके पति मर जाते थे ना तो उस उनको क्या किया जाता था कि पत्नी को भी जला दिया जाता था। जला दिया यस जाता सर, था, पत्नी को भी जला दिया। तो इनका जो था लॉर्ड 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 माउंटबेटन। लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन देखो 40 नंबर का है, इसको ध्यान में रखना है यही बात बार बार। लॉर्ड विलियम बेंटिक बोलेगा सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया। फिर देखो एक होता है दास प्रथा प्रतिबंध, दास प्रथा प्रतिबंध लिख रहे हो या सिर्फ देख रहे हो। लिख रहे हैं हाँ, सर। दास प्रथा को किसने बंद किया, एलन बरो, एलन बरो, ये अंग्रेज गवर्नर जनरल का नाम है एलन बरो, ठीक है। फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह, राजा राम मोहन। हिंदू विधवा पुनर्विवाह, इनको उस समय का गवर्नर जनरल कौन इसको खत्म किया, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। पचमा आ जाओ, ये सब नया नया लिखवा रहे हैं, बस इसमें चार ही है इम्पोर्टेंट, बस इससे ज्यादा आपका इससे कुछ नहीं आएगा। स्टैटिक जीके में और क्या छूटा है बताओ, जो दोनों बैकअप क्लास में ना हो, जितना लिखने के बाद। दास प्रथा मतलब दास बनाने का, नौकर बनाने का प्रथा, आप देखो समझ में उदास नहीं आया, प्रथा। क्या लिखवा रहे हैं? अरे ये शिशु वध प्रतिबंध मतलब कि क्या होता है, जैसे कि अभी है ना कि जैसे कि आ गया क्या, जो कुछ दिन पहले कृषि कानून आया था, वो कानून आया, कानून क्या आया कि शिशु के वध, जैसे अभी कानून है ना कि ये जो लड़कियों को पेट में गर्भ में ही मार दिया जाता है, उसके विरुद्ध एक कानून है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, है उसी समय पहले क्या होता था कि शिशु वध कर दिया जाता था, बच्चे को वध कर दिया, उस पर प्रतिबंध लगाया गया, उस पर कानून बनाया गया, तो कौन कानून बनाया, तो ये लिखो गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो उस समय अभी मोदी जी कोई कानून लाएंगे, जैसे धारा 370 हटाएगी, धारा 370 हट गया कानून आ गया, वो वैसे ही कानून है, ये सब कानून है कि शिशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया। अभी आप देखो कि माँ के गर्भ में वो बच्चा लड़का है या लड़की, वो आप नहीं ना पता कर सकते हो, यस वो सर, गैर कानूनी है। यस गैर कानूनी है, इसी वही बात है जैसे बिहार में, क्या बिहार में शराब पीना गैर कानूनी है, मतलब शराब शराब पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो बोलेगा यस सर, क्वेश्चन कि बिहार में शराब पर प्रतिबंध किसने लगाया, तो बोलोगे ना कि नीतीश नीतीश कुमार, कुमार। वैसे ही उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, तो वो बेले जली था, तो शिशु वध प्रतिबंध, शिशु पे वध होने पर प्रतिबंध लगाया, फिर सती यस प्रथा पर प्रतिबंध लगाया लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है। सती प्रथा क्या होता था कि जिनके पति मर जाते थे उनकी पत्नी को भी चिता पर उनके साथ जलना होता था, जिंदा जलना होता था, तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक एक और बंद ऑप्शन किए था सर, क्या। एक और ऑप्शन था, यह फिर देवर से शादी करना पड़ता था। दास प्रथा प्रतिबंध लगाया गया, दास प्रथा नौकर बनाने का, पहले दास बहुत ज्यादा दास प्रथा चलता था तो नौकर पे प्रतिबंध लगाया गया,
है। इसके साथ एक बार क्लास में देख लेते हैं सबको कौन कौन प्रेजेंट है। ये क्या खुल गया, बंद हो जाओ। एक बार क्लास में तुम लोग को देख लेने दो। सर क्लास स्टार्ट किए हैं क्या? अभी काफी देर से हो गया स्टार्ट। अभी स्टार्ट हुआ है। अब देखो, फिर दास प्रथा, फिर हिंदू विधवा पुनर्विवाह, जो हिंदू औरतें थी उनको पुनर्विवाह करने की अनुमति नहीं थी, तो लॉर्ड कैनिंग क्या किया, उनको पुनर् अनुमति दिया। तो ये लिखने के बाद अगला आ जाओ। अगला टॉपिक उपाधि एवं प्राप्तकर्ता लिखे कि गुरुदेव की उपाधि किनको दिया गया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। क्या स्क्रीनशॉट लेना है रुक जाइए, अब देखो सर, थोड़ा बैक कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिए लेना ना है। सर, थोड़ा सा लिखते नहीं हो भाई, हो गया सर, काम देगा यार। अब लिखो, अगला लिखो। देखो उपाधि प्राप्तकर्ता लिखवाए हैं, देखो सर। उपाधि, उपाधि कहने का मतलब उपाधि किसी को दिया जाता है। जैसे तुम सोनू मोनू टकला लंगड़ा बोलते हो ना, तो तुम किसी अपने दोस्त को चिढ़ाने के लिए उपाधि देते हो, जी सर चिढ़ाने के लिए कुछ उसको बोलते हो। जी प्राप्तकर्ता, और जिसको देते हो प्राप्तकर्ता होता है, और तुम देने वाले हो तो तुम दाता हो, तो दाता एक राम। चलो उपाधि, उपाधि। अब इसके बगल में लिखो प्राप्तकर्ता। सर राजा राम मोहन राय का किसमें था, जब हिंदू विधवा पुनर्विवाह में लॉर्ड कैनिंग का है तो? अरे उस समय वो सहयोग किए थे। गवर्नर और ठीक है सर, थोड़े ना थे, वो सहयोग कर रहे थे उनमें। ऐसे करके तुम लोग भी बनाओ। देखो पढ़ने के लिए जो फिगर तुम्हारे पास सही है, ये ऐसे करके आ जाओ। अब लिखो, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले उपाधि लिखना, यहाँ पे लिखा हुआ है उपाधि, उपाधि यहाँ पे लिखा हुआ है प्राप्तकर्ता। कौन उपाधि किनको प्राप्त हुआ, प्राप्तकर्ता। और यहाँ पे लिखा हुआ है दाता, दाता। ठीक है, तो गुरुदेव, उपाधि का नाम है गुरुदेव, तो गुरुदेव किनको कहा जाता है, तो ये भी बोला कि गुरुदेव किनको कहा जाता है क्वेश्चन में आएगा, तो मारोगे रविंद्रनाथ टैगोर। यदि हम तुमको भोलू आज का नाम रख दें कि तुम्हारा नाम आज से भोलू, तो तुम प्राप्तकर्ता कौन हुआ, तुम ही ना हुआ, भोलू कौन हुआ, तुम हुआ। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को कहा जाता है, दिए इनको कौन, तो महात्मा गांधी, गांधी महात्मा गांधी। ठीक है, आगे आ जाओ क्वेश्चन कैसे आएगा? कि गुरुदेव की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को किन्होंने दिया, ऐसे करके आएगा, या गुरुदेव के नाम से किन्हें जाना जाता है। ठीक है, या महात्मा गांधी ने गुरुदेव की उपाधि किन्हें दिया। फिर आ जाओ महात्मा, महात्मा की उपाधि, महात्मा की उपाधि किनके, महात्मा किन्हें कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को। महात्मा किन्हें कहा जाता है, तो महात्मा गांधी को महात्मा कहा जाता है। इन्हों कौन दिया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर। हम तुम्हें भोलू बोले तो तुम मुझे मोलू बोलो, यही बात हुआ, भोलू मोलू वाला कहानी चला। आ जाओ अगला, आ जाओ नेताजी। चंद्र बोस। अब नेताजी के नाम से किन्हें जाना जाता है,
तो सुभाष चंद्र बोस। सर ये दोनों बैकअप क्लास किए हो, बहुत लोग तो ये किए सर हम किए हुए हैं सर तो उसमें ये वाला चैप्टर नहीं है ना। किए नहीं उसमें नहीं है ये हाँ तो देखिएगा आप, हम आप ही को ढूंढ रहे, तो सर हम थोड़ा अभी आए लेट से थोड़ा आए हैं ये वाला आप लिखे। ये नो सर नहीं लिखे ये वाला सर रुकिए स्क्रीनशॉट लेने दीजिए लिखते स्क्रीनशॉट ले हैं लीजिए। हाँ सर ले लिए तो सुभाष चंद्र बोस नेताजी की सुभाष उपाधि, सुभाष दोनों क्लास अब किए ना, फर्स्ट और टू, ये सर हम दोनों किए हुए तो हैं बताइएगा कि कौन कौन छूटा है, ये कौन कौन नहीं है। ये सर हम बता देंगे इसमें सब नया नया लड़का बहुत साथ, उसको पता नहीं छूटा। नेताजी के बाद आ जाओ सरदार, सरदार के नाम से किन्हें जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल सरदार अच्छा, वल्लभ भाई पटेल सर लोकप्रिय उपनाम आपको पढ़ाए हैं दोनों में, किसी में, दोनों बैकअप में? लोकप्रिय उपनाम मतलब लोकप्रिय मतलब सरदार के नाम से किन्हें जाता है, नेताजी किन्हें कहा जाता है, फ्यूहर किन्हें नहीं ये कहा? सब नहीं पढ़ाया है ठीक है तो उसके बाद नहीं पढ़ाया है सर सर दाता का मतलब क्या हुआ सर जो दाता नाम क्या दिया लिखे है हैं सर, दाता मीन्स क्या होता है सर, देने वाला, जो नाम दिया है सर जो नाम दिया। नाम देने वाला सर जैसे मेरा नाम कृष्णा कांत सिंह है तो मेरे दादाजी मेरा नाम दिए कि अच्छा इसका नाम ये होगा, प्राप्तकर्ता प्राप्त करने वाला। यस सर अब समझ, अब कंफ्यूजन दूर हो गया ना। तो बारदोली की, जब बारदोली सत्याग्रह हुआ था ना, तो बारदोली की महिलाएं इनको दिया था सरदार की उपाधि। पर इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, ये रविन्द्रनाथ टैगोर वाला ही इम्पोर्टेंट है और महात्मा गांधी वाला ही इम्पोर्टेंट है। तो ये इतना करने के बाद ये लिख लो देश रत्न, देश रत्न, देश रत्न, राजेंद्र देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर देखो कितना लड़का एकदम फालतू का सब अभी तक आ ही रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ठीक है। कौन दिया था? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी कौन दिया था इनको? महात्मा गांधी महात्मा गांधी ठीक है। और राष्ट्रपिता एक इम्पोर्टेंट और है आपका, राष्ट्रपिता महात्मा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है, कौन दिए थे, कौन दिए थे आपके? नहीं पता सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस लिखो। 40 नंबर तो यहां से ऐसे ही बन जाएगा, तुम लिखते ना जाओ सर। ये सत्यम जी बचने वम नारे हम पढ़ाए हैं, सर कौन सा इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का, नहीं ये अभी नहीं पढ़ा है दोनों पे ऐसा बोला कि पढ़ा दिए हैं। नहीं सर नहीं ये है सर हो रखा ही है, हो गया सर हो गया गया सर नहीं हुआ है नहीं पढ़ा है सर, नहीं सर दो पढ़ा बैकअप क्लास सर, दिए है उस बैकअप क्लास में नहीं है सर दोनों बैकअप। हिस्ट्री में पढ़ाए हैं, हिस्ट्री में पढ़ाए हैं। अरे तो हिस्ट्री का बात नहीं कर रहे हैं ना, स्टैटिक जीके का बात कर रहे हैं ये। स्टैटिक जीके का बात हो रहा है ना, स्टैटिक जीके हम साइंस और विषय वाला हिस्ट्री नहीं ना पढ़ा है सर, थोड़ा आज। बैक कीजिए ना अरे करते हैं सर, सर थोड़ा बैक सर कीजिए बच्चे ने ना, किनारे लिखा चुके हैं, बैकअप क्लास में लिखवा चुके हैं सर। यस बैकअप नहीं लिखवाया सर, जितना क्वेश्चन बैकअप लिखवाया हम यहाँ लिख के बैठे हुए हैं, उसमें क्या देख रहे हैं कहाँ सर, लिखवाए यू हुए हैं। सर यूट्यूब पे एक बैकअप क्लास है जिसमें आप लिखवाए हैं वचन और नारे। हाँ सर। ये क्या चल रहा है? अरे एक बार और लिखवा दीजिए, और लिखो ना, लिखने से क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा ना, लिखो ना इम्पोर्टेंट है, देखो नहीं वो बैकअप वो सर, नहीं सर वो इसमें ही लिखवाइए ना, ज्यादा राइटिंग बैठ रहा है। मैं रात सर बच्चे ने बम नारे हो गया है, मैराथन क्लास का बारे में हम बात कर रहे हैं जो दो दो घंटे एक एक घंटे का है। सर एक 3 घंटे का, एक 2 घंटे का है। हाँ तो उसमें नहीं ना हुआ है? नो सर उसमें नहीं है। बस रहने दो, फिर लिखो, फिर इनकलाब जिंदाबाद लिखो फर्स्ट में, इनकलाब जिंदाबाद। अब जो जो लिखा है वो तो बताओ कम से कम। भगत सिंह, भगत सिंह सर, भगत सिंह सर जिसमें बम फेंके। अब दूसरा लिखो,
सर दिल्ली चलो, ये उस बार ही लिखवाए थे महात्मा गांधी जी का चलता था ना उसी बार, सुभाष चंद्र बोस। अच्छा दो चार पाँच है उसके बाद लिखो ना, उसके बाद लिखते हैं अगला टॉपिक आ जाते हैं नया टॉपिक महात्मा गांधी। एक बार आज वाला क्लास है ना कि सबका शुरू से रिवीजन करते हैं। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस ना बोले थे जी, करो या मरो महात्मा गांधी। करो या मरो या आपका हे राम, करो या मरो महात्मा गांधी, या आपका भारत छोड़ो। रिवीजन करो कम से कम, रिवीजन तो तुम लोग कर सकते हो। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लिख लेना, महात्मा गांधी तुम लोग पूरा लिखना नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। जय हिंद बोलेगा, क्वेश्चन आएगा कैसे देखो, क्वेश्चन आएगा कि जय हिंद का नारा किसने दिया, इस टाइप से आपका क्वेश्चन बनेगा। पचमा आ जाओ, पूर्ण स्वराज आज बताए थे ना। यस सर, जवाहरलाल नेहरू। या आपका आराम हराम है, तो पूर्ण स्वराज या आराम हराम है झूनीलाल नेहरू। अगला जाओ, जवाहरलाल नेहरू लिखना। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। शास्त्री बस दो मिनट में लिखवा देंगे। अब सतमा लिखो, सतमा लिखो वेदों की ओर लौटो। बोलेगा क्वेश्चन कि वेदों किनके द्वारा दिया हुआ है, किनका कथन या किनका वचन है या किनका नारा है। दयानंद सरस्वती का वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। आज सब हम लोग कर लेंगे, टेंशन क्यों लेते, आज पूरा जीके अच्छे से कर लेंगे, बैकअप की कोई जरूरत नहीं। आज जो नहीं किया है ना, कर मत दो, कर टैक्स मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो वल्लभ गलती लिखवाए हैं, वल्लभ लिखो अच्छे से, वल्लभ ब आधा ल पूरा ल भ ब आधा ल ल भ। सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका माइक ऑन है जरा, एकदम पूरा लास्ट काज करना ठीक है। और उसके बाद आ जाओ संपूर्ण क्रांति, इम्पोर्टेंट है, एकदम इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट प्रकाश नारायण, जय प्रकाश नारायण, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये ट्वेल्थ में पढ़ना भी है सर। जय प्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति विश्वविद्यालय से है। यस सर, इसका हम जानते हैं ठीक है। कौन थे सर? फिर आ जाओ, आ जाओ संपूर्ण वंदे मातरम। बंकिम चटर्जी सर, बंकिम चंद चटर्जी लिखो, बंकिम चंद चटर्जी। अगला पेज में लिखते हैं, चलो जल्दी आगे हो जाए। यस सर, लिखो अगला, लिखो अगला, लिखो 11 नंबर, उसी टॉपिक का 11 नंबर सवाल, जन गण मन अधिनायक जन। रुक जाए थोड़ा पीछे पीछे, स्क्रीनशॉट में रविन्द्रनाथ टैगोर। जन गण मन रविन्द्रनाथ टैगोर। आ जाओ, आ जाओ सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। बोलेगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है,
यह वचन किनके द्वारा या नारा किनके द्वारा दिया गया? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। किनके द्वारा दिया गया? तो राम प्रसाद बिस्मिल। अब आगे स्वराज हमारा, नहीं छोड़ो हाँ ये भी लिख लो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बाल गंगाधर तिलक। अगला जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, आज ही पढ़ाए थे ना, साइमन कमीशन। लजपत राय सर। हाँ वेरी गुड, बोलेगा कि साइमन कमीशन वापस जाओ किसका नारा है? तो लाला लाजपत राय। अगला जाओ, साम्राज्यवाद का नाश हो, किनका है? भगत सिंह। अच्छा सत्यम जी ये चीज देखिए, तो एक ये हम लिखवा दिए हैं, ये प्रमुख राजवंश हरियक वंश बिंबिसार शिशुनाग वंश शिशुनाग। यस सर लिखवा दिए हैं। यस सर दोनों लिखवा दिए हैं ना? यस सर। हम उसको देखकर कर रहे हैं, मतलब कि दो बैकअप क्लास को देखकर के, दोनों बैकअप क्लास में वो होना चाहिए बैकअप क्लास, क्योंकि तीन बैकअप क्लास फिर आपका हो जाए तो तीन बैकअप क्लास में। सर बैकअप क्लास में नहीं है, बैकअप में नहीं है वो, नहीं ये तो उसमें है ये क्या सर? तो आप जीके का कितना क्लास, वन सेकंड सर, आप जीके का बहुत सारा क्लास करवाए हुए और बैकअप दो ही करवाए हुए है। हाँ वो तो है। आ जाओ अगला, आ जाओ लिखो ना, हम लिखवाते हैं पहले। नहीं है सर उसमें नहीं है। आ जाओ तो आप छोटा छोटा टॉपिक, एकदम छोटा छोटा टॉपिक देखते हैं, बहुत सा छोटा छोटा टॉपिक हम लोग। सर थोड़ा बैक कीजिए तो। जल्दी लिखिए ना, लिखिए ना, लिखिए ना, बहुत हो गया, हो गया, हो गया। बहुत लिखना है अभी। आ जाइए इसमें लिखिए, विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देश। उत्पादक देश अरे अब तो 40 नंबर हो गया है, तो इसको और इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा ज्यादा ना जीके को, थोड़ा सा तो तुम लोग को और ध्यान देना होगा। ठीक है हेलो। यस सर। यस सर। भाग जाते हो तुम लोग, बताओ। नहीं सर माइक ऑफ था।
आ जाओ। जैसे हम बना रहे हैं ना सेम वैसे बना। ये टेढ़ा हो गया। लिखो पहला फसल, लिखो प्रथम स्थान। इसका लिखो द्वितीय स्थान। क्लास भी अपलोड आज नहीं होगा, पीडीएफ भी आज नहीं आपको मिलेगा तृतीय स्थान, क्योंकि एक दिन में 3 PDF से ज्यादा नहीं इसमें होता है, और ये PDF यदि हम कर देंगे तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसलिए एकदम क्लास करो, लिखो कॉपी पे लिखो, दो तीन जो इम्पोर्टेंट है ना वो लिखवा देते हैं सर। सर आप जितना करवा रहे हैं उसके अलावा भी जीके पढ़ना होगा अलग से। अब क्या बोले हम सर, PWC में 40 मार्क्स का आएगा। PWC में जीके बीए वालों का आता है। एक मिनट जाओ, एक मिनट लिख लिए, इतना कर लिए, फिगर बना लिए। यस सर हो गया। बस हम भी थोड़ा सा इसका काम हो गया मेरा। फसल में लिखो गेहूं, बोलेगा कि गेहूं उत्पादन में प्रथम विश्व में प्रथम स्थान कौन है, तो चाइना। चीन सर। हाँ, बोलेगा कि भारत का गेहूं उत्पादन में कौन सा स्थान है, तो दूसरा, दूसरा स्थान भारत का, और तीसरा जो है यो USA का है। ठीक है, बोलेगा कि भारत में गेहूं उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो दूसरा। ठीक है, वैसे ही गेहूं, उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट आपका चावल, ये भी चीन ही सर। तो बोलेगा कि चावल उत्पादन में विश्व में सबसे पहला स्थान किसका है, तो चीन का है। ठीक है, दूसरा किसका है, तो भारत का है। तो बोलेगा कि भारत चावल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, इंडोनेशिया तीसरा। ठीक है, तीसरा आ जाओ, तीसरा देखो सवाल कुछ भी पूछ सकता है, जीके समंदर होता है। फिर देखो कपास, कपास, कपास का USA, USA दिखाई दे रहा है स्क्रीन, और चीन सर, और पाकिस्तान तीसरा स्थान। अगला जाओ, अगला जाओ चाय, ये इम्पोर्टेंट है आपका, चाय का उत्पादन भारत, प्रथम भारत, दूसरा चीन, और तीसरा श्रीलंका। चौथा आ जाओ चाय के बाद गन्ना, गन्ना, गन्ना के उत्पादन में भारत, भारत, गन्ना, गन्ना लिखो, गन्ना, इतना वो सबको भी नहीं करवाया। गन्ना के उत्पादन में पहला कौन सा है, गन्ना के उत्पादन में भारत, दूसरा सर, वीडियो रुक गया है सर, वीडियो रुक गया, भारत, ब्राजील सही चल रहा है, और उसके बाद चीन। ये एकदम डाटा जल्दी से लिखो, एकदम 40 नंबर में आज हम करवाते हैं ना, आज 11 बजे तक करवाते हैं, 11 बजे तक तो जरूर, 10 बजे तक सर थोड़ा सा फॉर्म फिलअप करने में मतलब थोड़ा अटक गया है हमको। क्या हुआ सर, कपास को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉटन, कॉटन। का हुआ सर कि अभी 12th का मतलब जो मार्कशीट रहता है ना, कोचिंग मैरिट क्या चीज बोला जाता है, वो मांग रहा है माइग्रेशन, 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 माइग्रेशन। ओ सर तो उसमें हम 10th का दे दिए हैं, 12th का मिला नहीं अभी सर, जो लास्ट में मिलता है उसको छोड़ देते ना सर, देने की क्या जरूरत थी सर, 10th का दे दिए तो कोई दिक्कत है क्या सर, तो चलिए कोई बात नहीं, वहां मैनेज होगा, अपने मन से काहे दे देते,
सर लिखा हुआ था उसमें कि आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। सर एंट्रेंस के बाद बदल देगा। आ जाओ लिखो अगला लिखवाए बैकअप में अगला लिखवाए हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम जिसे सात पहाड़ियों का नगर किन्हें कहा जाता है। यस लिखा दी गगनचुंबी इमारतों का नगर लिखवा दिए हैं। नहीं सर नहीं लिखवाए हैं। भारत का चलो ये भारत वाला लिखवा देंगे विश्व वाला छोड़ दो ठीक है। आ जाओ एक टॉपिक लिखो जो नहीं तुम लोग नहीं लिखे होगे। सर एक क्वेश्चन पूछे सर पूछो ना सर एडमिट कार्ड हम लोग को कब रिलीज होगा सर एंट्रेंस वाला 100 दिन पहले एग्जाम से। विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें आज सारा का इतना लिखवा देंगे ना इतना लिखवा देंगे कि कहां से सर सेंटर कहां भेजता है। विश्व की प्रमुख पटना यूनिवर्सिटी एग्जाम दम टाइट लेता है पूरा चेक करता है चोरी नहीं होगा ना ठीक है। आ जाओ विश्व की प्रमुख भौगोलिक खोजें ठीक है तो इसमें देखो सौर मंडल पहला आता है सौर मंडल कि सौर मंडल का खोज किसने किया तो बताओ किसने सौर मंडल का खोज किसने किया कौन किया कोपरनिकस कोपरनिकस लिखो कोपरनिकस बोलेगा सौर मंडल का खोज निम्नलिखित में सौर मंडल का खोज किसने किया तो कोपरनिकस ठीक है। अगला आ जाओ उत्तरी ध्रुव की खोज ये तो लिखवाए भी थे जब उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति हेलो सर रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ठीक है। अब आगे आ जाओ उत्तम मानसा अंतरिप ये जानते हो दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी पॉइंट जो था कूप केप ऑफ गुड होप जिससे आपका पुर्तगाली कौन था वास्को डी गामा उत्तम आंसा अंतरिप केप ऑफ गुड होप दो ग्लास पीछे वाला जीके हुआ था उसके बाद वाला है क्या। हाँ उसका बार्थोलोमी डियाज देखो बार्थो हिंदी वाले इंग्लिश और कुछ दोनों का एक ही नाम है बार्थोलोमी डियाज लो लो ल लिखो बार्थो सर कल है कैप ऑफ गुड होप है। हाँ लोमियो डियाज बार्थोलोमियो डियाज कैप ऑफ गुड होप ठीक है। और अब अगला एक लिखो इम्पोर्टेंट एक लिखो आई लोग ये तो सबको मालूम होगा केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत की खोज वास्को डी गामा किया था। वास्को डी गामा देखो वास्को डी गामा कहाँ का था पुर्तगाल का वास्को डी गामा पुर्तगाल का था आपका इम्पोर्टेंट है ये वाला इम्पोर्टेंट क्या अब देखो न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की बताओ न्यूजीलैंड एवं ऑस्ट्रेलिया कैप्टन जेम्स कुक
केन विलियमसन, केन विलियमसन न्यूजीलैंड ओवेल टस्मान नाम है सर, केन ओवेन न्यूजीलैंड। अभिषेक भाई क्या बोल रहे हैं, विलियमसन एंड आरोन फिंच काहे लोग होशियार बनते हैं। ठीक है अब आ गया, अब देखो दक्षिण अमेरिका अगला, और दक्षिण अमेरिका किसने की, कोलंबस हो गया ना, आगे आ जाओ। एक मिनट सर, सर ये क्या लिखा है, बार्थोलोमियो डियाज, आगे आ जाओ। एकदम एक एक चीज अब देख लेंगे, नंबर बढ़ा है इस सब का तो एक एक चीज देख लेंगे। और सर वास्को डी गामा के ऊपर क्या लिखे हैं, बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज तो बोल रहे हैं बार बार। अब देखो आ जाओ जल संधि, जल संधि, जल संधि किसको बोलते हैं जानते हो, सर पीछे करिए, करते हैं सर करते हैं, एक मिनट रुकिए ना, एकदम उब जाते हैं, एक मिनट में करते हैं, लिखने दीजिए। देखो जल संधि, जल संधि बोलते हैं ना यहाँ पे, पीछे करिए स्क्रीनशॉट लेंगे, जहां पर दो जल राशियां मिलती है और दो स्थलों को अलग करती है, दो स्थलों को जहाँ पे अलग करती है, जैसे ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक मन, ये किसका जल संधि है, मन्नार की खाड़ी ना, पाक जल संधि बोलेगा, तो पाक जल संधि किनके किसके बीच में है, तो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी में, या पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है क्वेश्चन आएगा, तो आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका, भारत एवं श्रीलंका। तो लिखो मलक्का, पहला लिखो मलक्का, मलक्का जल संधि ऐसे करके लिखो, ऐसे करके, और इसको लिखा तो फिगर टेबल बनाते हैं। चीन सागर में ना सर मलक्का जल संधि, इंडोनेशिया को मलेशिया के अलग करती है, इंडोनेशिया मलेशिया ना, चीन सागर और अंडमान निकोबार सागर ना। सर टोटल सीट कितना है सर पटना यूनिवर्सिटी में बीबीए का, सर ऑल ओवर तो बहुत ज्यादा, फिर भी बताइए ना सर कितना है, ऑल ओवर 4000 है पर काम का नहीं है। एक हजार है काम का, 1000 काम का, 2000 अब देखो रुको एक लड़का को ज्वाइन करने दो, अब देखो एकदम लास्ट जिसको देखो अच्छे से भाई जी, हम लोगों के लिए भी ये क्लास है क्या, हाँ जो आप कौन आप तो शुरू से लगता किए है ना, सभी के लिए तो है ना, मैं मुकुल मैं तो ये सब क्लास नहीं किया हूँ क्या, ये बहुत सा नहीं किए होंगे, इसमें आज अलग अलग पढ़ा रहे हैं, ठीक है इसमें अलग अलग पढ़ा रही है मुकुल जी, ओके ठीक है, टाइम है तो कर लीजिए, नहीं है टाइम तो फिर कोई बात नहीं भी। अब यहाँ पे लिखो जल संधि, जल संधि क्या होता है वो तो बता दिए, बताए ना, अब किस किस को जोड़ती है, किस किस को जोड़ती है जल संधि, उसको बोलते जो स्थलों को, दो स्थल को, जैसे ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे आपका जो ये श्रीलंका है और इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में है ना ये इलाका, समुद्र का इलाका, इसको जल संधि कहते हैं, ठीक है थीके? तो ये किसको किसको जोड़ती है उसको बताया जा रहा है। यहाँ लिखो भौगोलिक स्थिति,
ये सब कंडीशन है, तुम लोग को ऐसे करके कुछ नहीं पूछेगा, पूछेगा जो हम बता दे रहे हैं। लिखो पहला नंबर, लिखो मलक्का जल संधि, नाम है मलक्का, बोलेगा कि मलक्का जल संधि कहाँ है, मलक्का जल संधि। तो ये अंडमान सागर एवं दक्षिण सागर को जोड़ती है, दो दो जल राशियों को जोड़ती है, तो किसको किसको, अंडमान, अंडमान जल सागर, अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर, दक्षिण चीन सागर इन दोनों को जोड़ती है। कौन बोलेगा कि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो मलक्का जल संधि। भौगोलिक स्थिति क्या है, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया 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 सर, इंडोनेशिया और मलेशिया, इंडोनेशिया और मलेशिया, ठीक है। फिर अगला जो इंपॉर्टेंट है वो बोलेगा पाक जल संधि, बहुत इसके सामने पीबीआई लिखो, यदि जल संधि वगैरह से सवाल यदि पूछता है तो ये पाक जल संधि पूछेगा, पाक जल संधि ये इंपॉर्टेंट है, इसके सामने पीबीआई लिख देना। देखो मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी वो जोड़ती है, अलग किसको किसको करती है, तो भारत को श्रीलंका। सर वो मलक्का लिखे हैं, मलक्का भारत श्रीलंका, ठीक है। अब देखो एक आता इंपॉर्टेंट है, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जनसंधि, देखो जिब्राल्टर, जिब्राल्टर जल संधि, तो ये भूमध्य सागर, स्पेन और मोरक्को के बीच में ना, हाँ, व अटलांटिक महासागर को, किसके किसके में, स्पेन और मोरक्को, ठीक है, हो गया आपका। यहां से ये जल संधि का तीन जल संधि आपको याद कर लेना है बस, इसके बाद आ जाओ अच्छा ये लिखवाए नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, बैकअप में लिखवाए हैं, yes, sir. Yes, sir. लिखा लिखा, तो बताओ तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, टेम्स नदी, टोक्यो और अकाब नदी के, लंदन टेम्स नदी के किनारे, पेरिस बताओ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये सब नहीं, सुडान, सीन, ये सब नहीं, सुडान, अभी नहीं लिखवाया है, अब पूछने लगे, अच्छा नहीं लिखा ले सर, भले याद नहीं है, लिखा हुआ है, ये सब सिडनी वाले लिखा, छोड़ देते हैं सर, नहीं लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, लिखो तो, नहीं आ जाओ लिखो फिर, पेरिस सर का भी लिखा रहे हैं ये सब, अगला टॉपिक लिखो, अगला टॉपिक एकदम शुरू से लिखो ना, आज आज मन से पढ़ो, मन से, यार बैक कीजिएगा तो नहीं लिखे, यार कहाँ रहते हो बताओ, सोए हो तुम अभी तक, चलो कला फसा आदमी वाला सर डाल दीजिएगा यूट्यूब पे, आज तो रीजनिंग बहुत धराकेदार कला आज क्या, आप परसों वाला दो क्लास डाल दीजिएगा, अच्छा बैक कीजिए तो सर, सर कहाँ पढ़ते हैं सर, सब लड़का लिख लेता है तो आप बोलते हैं सर बैक कीजिए, बताइए बैठे हुए ये लिखो, नदियों के किनारे बसे विश्व के प्रमुख नगर, सर जल संधि को पीछे थोड़ा सा कीजिए ना, पीडीएफ देख लीजिएगा, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर, बढ़िया से लिखते जाओ आज,
अब पूछेगा कि बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बगदाद आपका इराक में है तो टाइग्रिस ये शहर का नाम है और इधर आपका नदी का नाम है। ठीक है रुक जाओ रुक जाओ। देखो इधर शहर, इधर लिखो नदी, लिखो इसमें बगदाद, पहला बगदाद। कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? टाइग्रिस। सर टाइग्रिस नहीं याद कीजिएगा ना सर, तो बहुत कंटेंट 5-6 हजार जीके हो जाएगा। लिखो सर बर्लिन, बर्लिन शहर है ना जर्मनी में। यस सर, तो स्प्री नदी किनारी है। हाँ तो स्प्री नदी के किनारे, बिल्कुल सही। उसके बाद लिखो पर्थ, पर्थ है ना। यस सर। स्वान। हाँ तो पर्थ बोलेगा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? स्वान। इसके बाद लिखो लंदन। टेम्स। सर टेम्स। टेम्स 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 नहीं टेम्स टेम्स। अब लिखो काहिरा, मिस्र में है काहिरा, आपका नील नदी के किनारे बसा हुआ है। लिखो सर वो टेम्स लिखे हैं कि टेम्स है। टा 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 टा। और ना है कि माँ है? अरे आधा माँ है सर, आधा माँ है। टेम्स। सिडनी, सिडनी कहाँ है बताओ? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये है डार्लिंग। अगला जाओ वाशिंगटन, कहाँ है वाशिंगटन? सर पोटो मैक में अमेरिका। यूएसए। यूएसए अमेरिका के किनारे, ये पोटो मैक नदी के किनारे है। ये सर पोटो मैक के किनारे है। किसका किसका माइक ऑन है यार? किसका पता नहीं, किसके माइक से इको आ रहा है। अब देखो इतना लिख लिए ना। यस सर। इसको चिपका देते। क्या लिखे हैं? हो गया, यहाँ पे एक लाइन लगा देते। हो गया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। कॉपी 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 यहाँ से होता है। अब इसको लेके चलते हैं इधर। सिडनी के बाद डार्विंग लिखा हुआ है। हाँ ये द भी उठ के आ गया, बताओ यार। बगदाद, अब शहर नदी, नदी को भी कॉपी कर लेते हैं। डिजिटली पढ़ाने का यही तो एक प्रॉफिट है, इसको यहाँ पे जाकर कॉपी, इसको उठाकर इसको छोटा कर देते हैं। समझ गए क्या क्या है? छोड़ो इसको, यहाँ पे लिख देते हैं शहर नदी। आ जाओ आ जाओ, लिखो अब की बार ओटावा, कहाँ है ओटावा? सर ओटावा के पास ही है, कनाडा में है। कनाडा में है ओटावा जो है, वो नदी किस नदी के किनारे? सेंट लॉरेंस। ओटावा
सर ओटावा, ओटावा नदी के किनारे ही है। ओटावा, ओटावा कनाडा का ओटावा डॉलर, ओटावा ओटावा सेंट लॉरेंस के पास, सर्च कर लो तो। सर कनाडा वाला ही बता रहे हैं ना? हाँ कनाडा वाला ही ओटावा। हाँ सर तो ओटावा नदी के किनारे ही है। हाँ सेंट लॉरेंस है, देखो न्यूयॉर्क सर्च कर लेना ना, किसी में प्रॉब्लम है तो। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपका हडसन, न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। फिर लिखो क्यू, क्यू आपका कहाँ है बताओ, क्यू क्यू कहाँ है? यूक्रेन, यूक्रेन। क्यू नहीं तुम लोग। अब लिखो अपना काबुल, सर ओटावा, ओटावा काबुल, ओटावा ओटावा ही होगा। हाँ ओटावा में ओटावा ही होगा, हम भी तो वही बोल रहे थे, काबुल का भी काबुल ही होगा, काबुल का काबुल, ओटावा का ओटावा, देख लेना एक बार। यस सर, ये लूसेंट में जो है आपका, शांत भाई जरा माइक बंद कीजिए ना, इको हो रहा है। कौन है, किसको हटाए, किसको हटाए बताओ तो। सर हटाना नहीं है, माइक बंद कर लिया। क्लास जी सर बंद करो भाई। काबुल, काबुल नदी, कराची, कराची कहाँ है बताओ? कराची इंदस के पास है, इंदस के पास। सिंधु, सिंधु ये सब तो हिंदी में सिंधु बोलते हैं। तो ओटावा को चेंज कीजिए ना, वहाँ पे ओटावा, ओटावा नदी के किनारे है। हाँ लिख लो ओटावा, ओटावा लिख लो, बोल रहा है तो। पर एक बार और अच्छे सर्च कर लेना, गूगल कर लेना। गूगल से भी किए सर्च, सर एक मिनट करके देख लेते हैं। सर क्यों निपुर लिख, निपर लिखे है क्या? क्यों निपर, क्यों निपर, हर सर के लिए निपर लिखे है सर, उसका निपरो होगा शायद। क्यों निपर, सर ओटावा रिवर ही बता रहा है। हाँ चलो ठीक है, तो सेंट लॉरेंस किसका है, गलत दे दिया थोड़े, ओटावा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे बसा। आ जाओ अब, ये लिखवाए है राजधानी तो लिखवा दी है मेरे ख्याल से, ये तो राजधानी लिखवा दी है पूरा, प्रमुख देशों की राजधानी सर, मूवमेंट ये तो लिखवा दिए हुए है। अब आ जाओ एक चीज, आ जाओ यहाँ से नोट पॉइंट करके, यहाँ पे लिखना है वो की नोट पॉइंट करके, पर्वत शिखर देश लिखो एवरेस्ट। सर थोड़ा पीछे करिए सर, अभी भी देखो क्लास करने के लिए आ रहा, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो ना, बहुत कुछ लिखो। कितना टाइम हुआ है सर? आठ नौ बज गया सर, स्लो हो रहा है सर, नौ हो रहा है, अभी नौ हुआ है ना। आगे बढ़े सर, हाँ ना बोल दीजिए ना सर, बढ़िया चल रही है। एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल सर, नेपाल में सर, लिखवा दिए हुए है ये सब। ऊंचाई 8,850 मीटर, बैकअप क्लास में है मेरे भाई। केटू दूसरा है, कहाँ है? भारत में सर, भारत में है, भारत में इसकी ऊंचाई 8,611। ये विश्व के दो सबसे ऊंचे पर्वत के बारे में बताया गया है, वही हम आपको दो लिखवा दिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे पर दो लिखवाते जा रहे हैं, दो दो। अब देखो लिखो ये नोट पॉइंट, अगला नोट पॉइंट, ठीक है। सबसे बड़ी रेगिस्तान पहला सहारा, सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान अफ्रीका में है, आपका कहाँ है? अफ्रीका में, अफ्रीका जिसका, जिसका आपका 84 84 लाख किलोमीटर, लाख किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। ये कहाँ है? अफ्रीका महादेश में। बहुत सारे देश है, जैसे इसमें देश है अल्जीरिया, चाड, लीबिया, माली, मिस्र है। दूसरा देखो सहारा रेगिस्तान के बाद सबसे बड़ा है ऑस्ट्रेलियन, नहीं ऑस्ट्रेलियन, दूसरा ऑस्ट्रेलियन है ना। फिर चौथा पे गोभी आता है, थार दसवा पर आता है ऑस्ट्रेलियन, ठीक है ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन। इसका कितना जाना है? 15,50,000।
देखो गोभी गोभी मंगोलिया और चीन के बीच में है। ऑस्ट्रेलियन सर किस देश में, ऑस्ट्रेलिया में है क्या? हाँ, देखो अगला देखो लिखो गोभी, गोभी जो है एक गोभी अगला जो है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। गोभी जो है चौथा नंबर पे आता है पूरे विश्व में, पर गोभी के सामने लिखो कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोभी है, ठीक है? एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? मंगोलिया और चीन में। अब देखो सहारा, सहारा के बारे में हम लोग थार के बारे में बात करें तो पूरे वर्ल्ड में बोलेगा कि थार का कौन सा स्थान आता है तो दसवां, ठीक है? वर्ल्ड में दसवें नंबर पे थार आता है। फिर कहाँ है थार? इंडिया और पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिम भारत और पाकिस्तान। ये सर दोनों में पड़ता है क्या सर? हाँ दोनों में पड़ता है। हो गया ना, देश राजधानी मुद्रा लिखवा दिए हैं। सर देश राजधानी लिखवा दिए हैं, मुद्रा नहीं लिखवाया सर। मुद्रा छोड़ो, मुद्रा सर मुद्रा नहीं लिखवाए हुए है। मुद्रा छोड़ो, ये सर मुद्रा छोड़िए। भारत के बारे में बहुत अच्छा अच्छा चीज आज लिखवा रहे हैं, आज बैकअप नहीं है, महासंग्राम है। हाँ भाई मजाक थोड़े कर। 10 बजे तक होगा सर क्लास जब भाई 10 नहीं 11 बजे तक कंटिन्यू सर, जब तक सर थक ना जाए तब तक। हाँ हम थक जाएंगे जब तक हिंड ना हो जाए। एक सोले में नहीं देखते हो, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सोले में नहीं देखते हो सर, बजरीगंज का कहानी ये सर। जब तक है जान सोले में था, बसंती को बोलता है वो ये सर, जब तक तेरे पांव चलेंगे इसकी सांसें चलेंगी। जब तक हाथ चलेंगे तब तक आपके क्लास चलेंगे सर। वीडियो भी अवेलेबल होगा ना सर यूट्यूब पे, ये वाला जो क्लास करवा रहे हैं? नहीं ये वाला। यस सर पीडीएफ, सर पीडीएफ दे दीजिए सर। नहीं होगा जैसे देख, किसी को काम आ गया। ओ ओ ओ ये कैसे टेढ़ा टेढ़ा लिखवा रहा है। रुको, भारत के साथ पड़ोसी देश के साथ, देश के साथ सीमाओं की लंबाई। सीमा मतलब समझता है, सीमा मतलब लड़की वाला सीमा नहीं सर, बाउंड्री। बाउंड्री तो पहला है लिखो बांग्लादेश। सबसे ज्यादा जो है बोलेगा कि सबसे बड़ी सीमा, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ बनती है तो देश आएगा बांग्लादेश। देखो इधर देश, देखो क्लास करने को आ रहा है, देखो एक पर एक होशियार होशियार लड़का है क्लास में। इधर लिखो देश, एकदम एक शॉर्ट ट्रिक है सर। क्या बचपन में एमबीए किया? हाँ उससे सीरियल नंबर याद हो जाएगा। जानते हो भाई ट्रिक नहीं कारगर होता है मेरे ख्याल से, किस लिए नहीं होता है, भुला जाओ वो ट्रिक, ठीक है? अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, तीन इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज हम लिखवा देते हैं। आ जाओ लिखो देश सबसे इसके मतलब कि, और ये इम्पोर्टेंट है लंबाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और सबको नहीं लिखवाने लगता है। सीमा से संबंध, भारतीय सीमा से संबंध राज्य नहीं लिखवाए थे सर, नहीं लिखवाए थे। ठीक है आगे आ जाओ। पहला जो बोलेगा बांग्लादेश, हम सीरियल वाइज में लिखवा रहे हैं, ठीक है? तो यदि क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ। चल देखो डाटा नहीं पूछेगा, 4096.7 ये सर 4096, ठीक है? अब बोलेगा कि निम्नलिखित राज्य में कौन कौन सा राज्य बांग्लादेश के सीमा से साथ लगती है, ये इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, लिखो पश्चिम बंगाल।
फिर लिखो क्या, त्रिपुरा, मेघालय, एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो मुंह पर, मिजोरम। बोलेगा कि निम्नलिखित राज्य में कौन बांग्लादेश के सीमा के साथ है, ये दे देगा उधर महाराष्ट्र, उत्तर में मिजोरम दे देगा, कर्नाटक दे देगा और तमिलनाडु दे देगा, तो क्या मारोगे? मिजोरम। असम। दूसरा लिखो चीन। सर भूट, ये सर चीन। चीन के साथ 3488 किलोमीटर बनाता है। अब इससे कौन कौन सा राज्य जुड़ा? लद्दाख, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, एपी, अरुणाचल प्रदेश लिखना, उत्तराखंड, एचपी, हिमाचल प्रदेश, तुम लोग पूरा लिखना नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे, और सिक्किम, एकदम इम्पोर्टेंट है। तीसरा आ जाओ पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ जो है 3323 है ना सर, 10 ही है डाटा में, 3323 है। देखो राजस्थान, सर एपी क्या बोले हैं, एपी, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, देखो क्लास में रहोगे ना तो नहीं दिक्कत होगा, लद्दाख, इसके साथ आपका गुजरात, सर चीन में जम्मू और कश्मीर नहीं होगा, अरे दोनों को अलग कर दिया है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर को पहले, इसलिए इधर आ गया ना, जम्मू कश्मीर आपका, गुजरात, जम्मू कश्मीर अब राज्य केंद्र शासित प्रदेश है ना, तो वो भी अभी शासित प्रदेश है जी, वो सर। गुजरात के बाद आ जाओ पंजाब, अगला चौथा नंबर, पाकिस्तान के बाद आ जाओ नेपाल, नेपाल 1752 किलोमीटर है, नेपाल के साथ, हाँ 1752 यूपी, उत्तर प्रदेश, बिहार, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, याद कर लोगे नहीं सब, मेरे से करवाते हो याद करते नहीं, सर याद है ही। नेपाल के बाद आ जाओ म्यांमार, म्यांमार भूटान, दो बचा हुआ है, म्यांमार भूटान, श्रीलंका भी है, श्रीलंका तो ये समुद्र से नहीं है, ये सर 0.1 किलोमीटर है वो, हम बता स्थल से, यस सर। पचमा आ जाओ, थोड़ा बैक कीजिए, यस सर हो गया, पचमा आ जाओ, नेपाल तक लिखवाया ना, म्यांमार, सोलह, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश पूरा लिखना तुम लोग, मिजोरम, भाई जितना देर है ना सबको याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कुछ छोड़ सकते हो, मणिपुर आएगा तो 100वें नंबर का क्वेश्चन, पर करना पड़ेगा बहुत कुछ, यस सर, ऐसा तो नहीं है कि सब एक एक मार्क्स का ही होगा ना, हाँ, लिखो भूटान, सर पीयू में निगेटिव मार्किंग होता है नहीं, भूटान का 699, इसमें है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सर भूटान में असम क्या है सर, क्या, अरे भूटान से कौन कौन से भारत के राज्य सटे हुए हैं, किनका स्थल लगता है, बाउंड्री, बॉर्डर कहाँ बन रहा है, हिंदी में समझो बॉर्डर कहाँ बनता है, सिक्किम, जी सर, सर ये सर इंग्लिश में लिखवाइए ना, हाँ सर इंग्लिश में लिखाते सर तो और बेनिफिट रहता है, अरे तो भूटान ऐसे लिख लो, असम ऐसे लिख लो, पश्चिम बंगाल लिख लो, वेस्ट बंगाल, भाई नाम है तो नाम तो आप खुद से भी इंग्लिश में लिख सकते हो ना,
सर जो हिंदी में समझाते हैं ना सर उसको बोल रहे हैं सर। ओ ये सही बात, ये बहुत अच्छी बात कही आपने सर। जो कोई कोई बहुत शुद्ध हिंदी रहता है ना सर उसको बोल रहे हैं सर, इंग्लिश में उसका क्या होगा सर वर्णन। अच्छा लिखो अगला नोट करके पॉइंट, दो तीन नोट पॉइंट लिखो, नोट नोट लिखवा दीजिए सर। हिंदी तो का कि नहीं पूछेगा परीक्षा में, क्या हिंदी तो नहीं पूछेगा सर? हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछेगा भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है ना इसे। हां दोनों में, हां दोनों में, नोट पॉइंट लिखो, लॉ सब में ही रहता है दोनों में। का सबसे बेस्ट माइक किसका माइक ऑन है यार? लक्ष्मी बिंदु इंदिरा अमित माइक बंद करो, वो मेरे को नजर नहीं पड़ता कि पीछे कौन बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे सामने बोर्ड खुला हुआ है। इंदिरा पॉइंट है, ठीक है इंदिरा पॉइंट है। और सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु बोलो कौन है? इंदिरा कॉल, सर भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु मतलब सर? दक्षिणी पॉइंट, सबसे लास्ट पॉइंट, ठीक है निकोबार द्वीप समूह में है। सबसे उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ बोलो, यहाँ पे आकर भारत खत्म, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है। कॉल ऐसी है, कॉल गलती लिखी है। यस सर। ये कहाँ है इंदिरा कॉल? आपका जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। अब आगे आ जाओ एक और, अब बात करते हैं पूर्वी और पश्चिमी का भी तो बात करना है ना। इसको किस कलर से किया जाए, इसको भी कर देते हैं तो ये चलाते हैं। लिखो भारत का वो हो गया पश्चिमी बिंदु, तुम लोग ऐसे लिखते हो जैसे हम लिख रहे हैं? नो सर। पश्चिमी बिंदु बताओ कौन है पश्चिमी बिंदु? नहीं पता। सर क्रिक कहाँ है आपका? गुजरात में। बोलेगा कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का कहाँ है? सर क्रिक, ठीक है सर क्रिक। अगला लिखो ये, ठीक है ना यहाँ पे ले आते हैं इसको। सर इंदिरा कॉल जो मतलब जम्मू कश्मीर में है? हाँ आगे आ जाओ, इसको भर देते हैं पहले इस कलर से। आगे आ जाओ पूर्व पश्चिमी पॉइंट लिखवा दिए, पूर्वी पॉइंट पूर्वी पॉइंट बताओ कौन सा है? की बूतू जगह का नाम है, की बूतू आपका क्या है? अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखो चलो इतना लिख लिए। यस सर लिख लिए। सर इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा पॉइंट बताए निकोबार द्वीप समूह, निकोबार अंडमान निकोबार में, निकोबार है ना वहाँ पे द्वीप समूह। तो किबूतू लिखे है? किबूतू सर भारत का पूर्वी बिंदु। किबूतू समझ नाम रहता है। आगे आ जाओ एक लिखो, अब की बार एक डाटा और लिखवाते हैं। टिकाज का डाटा है सर, दुगुंडा बनाया है।
ना सर अंडा में लिखेंगे क्या? अंडा में लिखेंगे कि भारत का, ठीक है, भारत का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण कितना है? 3200 आपका 14 किलोमीटर, 3214 है ना? यस सर 3214 है, 3214 किलोमीटर, मतलब जम्मू कश्मीर से सर कन्याकुमारी तक ना? हाँ भाई। अब पूरब से पश्चिम लिखो, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, उधर गुजरात से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश, पूरब से पश्चिम, पश्चिम पूरे अच्छे से 29-33 पश्चिम तक जो है 2933 है। यस सर। ठीक है, अब एक पॉइंट और, इससे अच्छी बात हम आपको यहाँ से लिखवाते हैं, ये डाटा वाला सिस्टम जो है सर 2933 बोले। हाँ 2933 लिखे, कितना सर 13 लिख दिए हैं आप। सॉरी सॉरी सॉरी, माफ करना, मेरे मुंह से निकल गया। किलोमीटर, ठीक है? यस सर। एक और अच्छी बात में सर, लंबाई है ना सर? हाँ सर, किलोमीटर तो लंबाई मापता है सर, ये कलर, ये कलर सर। भारत का है या बिहार का? भारत का है भाई, भारत लिखा, बिहार का इतना बड़ा होगा? अब लिखो पीडीएफ, पीडीएफ दोस्त यार को दोगे ना तुम लोग, बोलेगा ना कहाँ पढ़ते हो तो बताओगे ना, इसलिए लिखवा देते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं, कौन कौन से लिखो? क्षेत्रफल की दृष्टि से चीन, रूस, रशिया, कनाडा, चीन, यूएस, ब्राजील, 6 बड़े देश हैं, ऑस्ट्रेलिया, 6 बड़े देश हैं, कौन कौन से हैं जो लिखते हैं सर? रसिया सबसे पहला जो है वो, क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन कौन से है? सबसे पहले रूस, रसिया दिखाई दे रहा है। रूस के बाद आपका आता है कनाडा। रूस से चलो तो कनाडा आ जाओ, कनाडा से चलो तो फिर चीन पे आ जाओ, चीन आ जाए, चीन आने के बाद चले जाओ यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, यूएसए चलने के बाद आ जाओ ब्राजील, उसके ब्राजील है, ब्राजील, ब्राजील, उसके नीचे आ जाओ ब्राजील, अब ब्राजील के बाद अंत में चले जाओ ऑस्ट्रेलिया। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्या स्थान है? सातवां स्थान है। तो बोले 6 बड़े कौन कौन से देश है? रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब आ जाओ एक बहुत अच्छी बात मैं तुमको फिर से लिखवाता हूँ, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, लिख आगे आ जाए सर, चलिए ना आगे। नो सर रुके 2 मिनट, देखो कितना मस्त मस्त एकदम सुंदर सुंदर फिगर पीडीएफ। यस सर। सर नोट्स दे दीजिएगा सर, जो आज का क्लास का आगे आ जाओ, आगे बढ़े तो हाँ बोलिए सर, बढ़ जाइए सर, बढ़िए ना। लिखो लिखो, भारत के स्थल सीमा की लंबाई, ये पॉइंट है। स्थल सीमा मतलब भारत के जो उसका स्थल वाला है, स्थल से स्थल जिसका ऐड है, समुद्र तट नहीं है, बीच नहीं है आपका, तट बीच जिसको बोलते हैं, सी बीच, बीच भारत के, तो वो तट जो नहीं है, स्थल सिर्फ है,
स्थल सीमा की लंबाई, सीमा मतलब बॉर्डर, जैसे उधर पाकिस्तान के साथ स्थल सीमा को बना रहा है तो वही स्थल सीमा की लंबाई। भारत के स्थल सीमा की लंबाई कितना है? 15,200 किलोमीटर, ठीक है, ये लिख लो। और एक लिख लो अगला लिख लो स्थल सीमा मतलब। सर सर स्थल सीमा मतलब, स्थल सीमा कहने का मतलब हुआ ना, स्थल सीमा मतलब जमीन से कितना से इंडिया जुड़ा हुआ है वो बात बता रहा हूँ। ये सब रुको एक मिनट, एक मिनट क्या दिक्कत भाई, लैंड बाउंड्री ऑफ इंडिया। हाँ दूसरे देशों से कितना सीमा शेयर की है लैंड वाला? यस सर, पाकिस्तान नेपाल चाइना इस टाइप। सर वो तो लिखवाए ना अभी, कितना कितना शेयर कर रहा है बॉर्डर उसका। अब जो जो लिखवाना है इस पे हम लोग लिखते हैं। ए यार ये क्या हो गया, रुक जाओ, क्या हो गया, अब हम समझाने में, इसको समझाने में अच्छा होगा। एक मिनट इसको लेकर आते हैं, इसको लेकर इसको लेकर आते हैं अपने बोर्ड के पास, ठीक है, इसी को लेकर सुनो। आ गया ना सब का सब, और थोड़ा सा बस आ गया ना अपना इंडिया, ठीक लग रहा है ना? जी सर, यस सर। बस अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, पढ़ाई को चालू करते हैं। अब इंडिया के बारे में जब पढ़ ही रहे हैं तो इंडिया सामने नहीं रहे तो मज़ा ही ना आए, ठीक है। अब देखो भारत के स्थल सीमा की लंबाई 15,200, कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि देखो यहाँ से इस वाले इस सब को जोड़ के पाकिस्तान से जोड़ते जाए, इधर कोई समुद्र नहीं है ना, इधर नहीं है, नो सर, इधर नहीं भी समुद्र नहीं है, इधर भी समुद्र नहीं है, यहाँ तक भी चले जा रहे हैं कोई समुद्र नहीं है इंडिया के साथ स्थल सीमा में, यहाँ भी कोई समुद्र नहीं है, इधर भी कोई समुद्र नहीं, इधर तो म्यांमार ही आ गया तो इधर भी समुद्र नहीं है, इधर से बाकी समुद्र आ जाता है ना ये सब इलाका वाला समुद्र। यस सर, तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर इसकी जो लंबाई है वो आपकी है 15,200, ठीक है। अब देखिए भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7,500। हाँ तटीय सीमा की लंबाई ये कितना है आपका, ये कितना है, ये है 7,516, यही है ना? यस नो सर, सीधा 7,500 है, 7,516.5। हाँ इतना ही है, सही बोला, इतना है। पर देखो ये सारा का सारा मिलाकर यदि सही से यदि बात किया जाए कि इस वाले इंडिया का सिर्फ यहाँ से इसका कितना है, मतलब मुख्य मुख्य भूमि से तटीय, ये तो अंडमान निकोबार सब को ऐड करके 7,516 है। यदि बोलेगा कि सिर्फ मुख्य भूमि के तटीय, मुख्य भूमि इंडिया का तो मुख्य भूमि आपका यही है ना? यस सर, 6,100 सर। तो ये यहाँ से ये सारा का सारा ये कितना है, तो ये आपका है 6,100 किलोमीटर। ये जो मुख्य भूमि से लगा, ये मुख्य भूमि इंडिया का, इंडिया का तो मुख्य भूमि यही है ना, ये पूरा इंडिया, इंडिया का मैप देखते हो तो यही देखते हो, तो ये जो मुख्य भूमि से लगा हुआ है वो आपका है 6,100, ठीक है। अब देखो इधर को क्या लग रहा है, भारत के पड़ोसी देश में भारत के सबसे लंबा राज्य तो बांग्लादेश के साथ लग रहा है, बांग्लादेश के साथ लग रहा है, तो इधर बांग्लादेश आपका ये हो गया 75,000 लिख दिया, 7,516 वो है ना, बहुत हो जाएगा 7,516, ठीक है। आप देखो पड़ोसी देश में तो वो यहाँ पे लिखवा ही दिए हैं सर, लिखवा दिए हैं पड़ोसी देश, लिखवा दिया ना ये रहा। हाँ
पड़ोसी देश के साथ सीमा क्या लगा रहा है, क्या है सब कुछ क्लियर करवा दिए। और देखो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये चल इस पे लिखा क्यों नहीं रहा, ये हैंग करता है, देखो अब लिखाता है। ये जो देख रहे हो यहाँ पर, यहाँ पे क्या है आपका रेड क्लिफ लाइन, ये जो है वो रेड क्लिफ लाइन है, ठीक है। तो बोलेगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। रुक जाओ ये थोड़ा सा वो काम करते हैं ना, इसमें हैंग करता है, हैंग कर गया ये पूरा साइट। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाना एक मिनट एक मिनट। जब स्क्रीनशॉट लेके दो चार जब ऐप देखो ओबीएस चल रहा है, फिर गूगल फ्री चला देते हैं, तो सिस्टम तो बड़ा है पर ये तो ये जो ऐप है ना ये इजी नोट ये नहीं चल पाता, इतना लोड ये नहीं उठा पाता। सर भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी है ना? हाँ अफगानिस्तान ही है, अफगानिस्तान से कुछ 100 किलोमीटर लगभग। तो उसका आप नहीं लिखवाए थे सर? नहीं लिखवाया अफगानिस्तान, नेपाल भूटान नहीं लिखवाए आप उसका, अफगानिस्तान भी लिख देना। अब आ जाओ अगला, आ जाओ आगे आ जाओ, ये तो सारा का सारा लिखवा दिए। अब दर्रा लिखा है भारत के प्रमुख दर्रे, काराकोरम दर्रा कहाँ, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा। सर दर्रा क्या होता है? दर्रा जो पर्वत के बीच का जो रास्ता होता है ना, पर्वत के बीच का। सर उसने लिखवाया है, वो तो नहीं लिखवाया है। देखो भारत के प्रमुख दर्रे माइक बंद करो, ये सेजल माइक बंद करो ना यार, सेजल एंगल। भारत के प्रमुख दर्रे, भारत के प्रमुख दर्रे, दर्रा बोलते हैं ना कि जो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है उनको दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो लिखो पहला काराकोरम दर्रा, देखो यहाँ पे ठीक चलने लगा, काराकोरम दर्रा कहाँ है आपका? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में है काराकोरम। अगला लिखो जोजिला दर्रा, ये भी वहाँ है ना सर, जोजिला दर्रा। बोलेगा जोजिला दर्रा कहाँ है, तो ये सर इसकी लंबाई पूछेगी, लंबाई बंबाई ना पूछेगा। फिर लिखो पीर पंज, जोजिला दर्रा लद्दाख में है सर, अब अलग हो गया है ना दोनों। हाँ नई कालम अलग हो गया, नई कालम लद्दाख अलग हो गया ना जम्मू कश्मीर लद्दाख। फिर लिखो पीर पंजाल दर्रा, जम्मू कश्मीर लद्दाख, पीर पंजाल दर्रा जम्मू कश्मीर में सर, लद्दाख में भी है सर, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में। लिखो हाँ जम्मू कश्मीर में नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, बोलेगा नाथुला दर्रा कहाँ है? तो ये तो सिक्किम में है सर। हाँ सर सिक्किम में, सिक्किम। अगला लिखो माना दर्रा, माना दर्रा उत्तराखंड। दर्रा मतलब समझते हो ना, दर्रा मतलब समझा दिया है ना, दो पहाड़, जैसे पहाड़ है, पहाड़ तो उल्टा बना दिया, पहाड़ है यहाँ भी पहाड़ है और उनके बीच एक रास्ता निकला है, वही दर्रा बोला जाता है उसी को। नाथुला लिखवा दिया ना, और सिप किला, सिप किला, सिप किला दर्रा, बताओ कहाँ है सिप किला दर्रा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जो जिला लिखवा पीर पंजाल बनिहाल दर्रा, बनिहाल कहाँ है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। बनिहार दल्ला जो है आपका वो आपका है जम्मू कश्मीर, जेके का मतलब जम्मू कश्मीर, ठीक है, वो आपका है, ठीक है। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ,
तो आज पूरा खत्म अच्छे से करेंगे। पतंग लिखवा दीजिए। क्या लिखे क्या एचपी क्या लिखे कारा करो नीचे क्या लिखे जोजिला लिखे हैं रोहतांग लिख लो भाई एक बोला है हाँ जोजिला एचपी क्या लिखे हिमाचल प्रदेश लिख लो रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा कहाँ से निकलता है कहाँ है आपका हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश कितना टाइम हुआ है देखो तो नौ बत्तीस दिख रहा है एक मिनट नौ बत्तीस हो रहा है चलो कोई बात नौ बत्तीस एक चीज लिखा है भारत की नदियां कहाँ से उद्गम करती हैं इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट दो चार नदियां उनको लिखवा देते हैं उनकी लंबाई भी लिखवा देते हैं क्या सर जोजिला के नीचे क्या लिखे हैं सर जोजिला के नीचे क्या लिखे हैं अरे पीर पंजाल पीर पंजाल लिखवा दें यस सर अभी तो पूरा बात बाकी अभी तो स्टार्ट हुआ है सर सर हाँ बोले सर इंडियन ज्योग्राफी तो खत्म हो जाता है क्या इंडियन ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी तो देखा जाए तो खत्म ही हो गया सर पांडे जी कहाँ है आप यार अभी क्लास हम ज्वाइन किया मंटू बोला यार कि सर इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं अरे इंडियन ज्योग्राफी नहीं है इंडियन ज्योग्राफी है यार जीके जी समंतु जी स्टैटिक जीके स्टैटिक जीके उसका इंडियन ज्योग्राफी का स्टैटिक भाई ज्योग्राफी थोड़ा डिफरेंस होगा डिफरेंट होगा इससे दिल भी पढ़ा जाएगा सर भारत की नदियां के बारे में जो इम्पोर्टेंट लिखो इधर लिखना नदी ये थोड़ा सा शॉर्ट में सबको लेके जा रहे हैं ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उद्गम अब लिखो इधर लंबाई संगम या मुहाना ऐसा लंबाई उद्गम और संगम मतलब सर उद्गम कहां से उत्पन्न होती है ठीक है संगम कहाँ पे जाके संगम करता है कहाँ पे मिलती है या मुहाना करने का मतलब समुद्र में कहाँ पर जाकर गिरती है ठीक है तो इसमें आओ इसमें आओ इसमें लिखो सिंधु 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 भारत में है भारत में भारत से उद्गम होती है ये सर ये सर उधर होती निकलती है तो तिब्बत के मान लिखो यहाँ पे हाँ तिब्बत के मानसरोवर झील मानसरोवर झील ठीक है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होती है और इसकी संगम कहाँ है यह मुहाना का अरब सागर यस सर अरब सागर लंबाई लंबाई कितनी है 88 है पर भारत में लंबाई है 1114 ठीक है दूसरा क्या भाई गंगोत्री से निकलती गंगा, है गंगा जो निकलती है गंगोत्री के गोमुख हिमानी से यस सर ट्रैक वगैरह भी पूछेगी सर क्या सहायक नदी देखिए ना इसके सहायक नदी भी पूछेंगे नहीं सर उतना गंगा के पास गोमुख गिरती कहाँ है बंगाल की खाड़ी बे ऑफ बंगाल में क्या कर रहा है यार ट्रेन पे जा रहा है क्या कर रहा है आदित्य भाई माइक बंद क्या नहीं रखते हैं आप आपका बहुत आवाज करता है 2525 किलोमीटर भारत में यस सर 2525 अब गंगा जो नाम है ना गंगा जो नाम है छोड़ो ये सब तो डीजे वाला चीज छोड़ दो आ जाओ ब्रह्मपुत्रा इम्पोर्टेंट है अच्छा कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है ब्रह्मपुत्रा नर्मदा एवं ताप्ती नर्मदा और ताप्ती
और इसकी सर सबसे बड़े मंजुली है, मंजुली ब्रह्मपुत्रा, देखो ब्रह्मपुत्रा, ब्रह्मपुत्र नदी, ये कहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र? तिब्बत से, तिब्बत के मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर है चेमयुंग डुंग हिमानी, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से, मानसरोवर झील के 80 किलोमीटर दूर एक नाम है चेमयुंग डुंग, क्या नाम है? एक जगह का नाम है हिमानी, हिमानी मतलब समझते हो? पता नहीं, नो सर, फिर हिमालय, हिमानी कहाँ? ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्लेशियर हिमनद होगा, ग्लेशियर, ये ग्लेशियर सर बर्फ का घर, हाँ डूंग, हाँ ग्लेशियर में समझते हैं, चेम डूंग, चेमयुंग डूंग ये जगह का नाम है जहाँ से ब्रह्मपुत्रा नदी निकलती है, हिमानी, चेमयुंग डूंग हिमानी, चेमयुंग डूंग ग्लेशियर, ठीक है। गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में, ये सर गंगा के साथ मिल के वो गिरती है, और इसकी इसकी लंबाई सर चेमयुंग डूंग कब से लिखा है सर? जगह का नाम है चेमयुंग डूंग, जगह का नाम है 2900 किलोमीटर भारत, 1800 किलोमीटर है भारत में, भारत 916 ना सर, भारत में 916 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्रा की लंबाई, भारत में 916, ठीक है। अब देखो नोट करके लिख देना कि नर्मदा एवं ताप्ती नदी नहीं बनाती है, छोड़ो उसको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, 916 ना सर, 916, छोड़ो अब जितना है सब बहुत अच्छा, बहुत है जितना लिखवा दिए ना दो चार, गंगा से ब्रह्मपुत्रा से ऐसे पूजा, एक नोट करके लिखो, नोट पॉइंट लिखो, नोट पॉइंट, नोट पॉइंट, आज लंबा है समय हम लोग के पास बहुत है, तो हम लोग सोचे कि चलो अच्छे से स्टैटिक जी के जब नंबर बढ़ा दिया, गंगा जमुना नहीं लिखवा सकते, गंगा जमुना सरस्वती, गंगा लिखवा दिया ना, जमुना बमुना तो सब सर जीके ही सिर्फ 40 नंबर की पूछेगा, हाँ भाई जीके स्टैटिक रीजनिंग सब उसमें रहेगा, हाँ 20 नंबर 25 नंबर तक जरूर रहेगा। लिखो लिखो एक चीज लिखो, क्या लिखो भूलवा दिए तुम लोग, क्या लिखवा, हाँ नर्मदा, नर्मदा एवं ताप्ती, नर्मदा एवं ताप्ती, ताप्ती 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 होता है ना? यस सर, ताप्ती, यस सर, नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, क्योंकि ये दक्षिण भारत की नदियां हैं, दक्षिण भारत नहीं, बहुत तेज धारा से बहती है, नहीं नहीं, और चलो आगे आ जाओ, अब तुम्हें क्या, अब भारत की प्रमुख समझे नहीं सर, नर्मदा एवं ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा कहने का मतलब होता है कि जितना भी नदी जो होता है ना वो अपनी मिट्टी ले जाता है, जब समुद्र के पहले उन सारे मिट्टियों को छोड़ देता है, जैसे सुंदर गाद सर, गाद, गाद जिसको गाद बोलते हैं, जैसे देखते हो जब बाढ़ आता है गंगा जी के किनारे जाओगे तो वहाँ का जो इलाका रहता है जिसमें आपका नहाने के लिए जाते हो उसको क्या बोलते, सीढ़ी वगैरह, उसमें बहुत सा मिट्टी रहता है जमा हो, तो वही जो है समुद्र में विलय होने से पहले वो छोड़ देती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा है। यस सर, भारत की प्रमुख झीलें, अगला टॉपिक लिखो, करो ना अभी तो बहुत दूर है, दिल्ली दूर है सर, सर बैकअप में भी इसको लिखवाया था, भारत के प्रमुख झीलें, दोनों बैकअप में हुआ है, झीलें देखो तुम, हो गया है सर, दो बैकअप, झील हो गया है सर, झील वाला हो गया, हो गया है सर, बांध लिखाइए सर, अपलोड होगा सर ये वाला वीडियो? नहीं सर, 3-3 GB का वीडियो कैसे अपलोड करेंगे बताइए, YouTube पे भी है, नहीं देखा तो कोई बात नहीं भाई, YouTube पर भी है सर, अपलोड किए हैं सर, PDF दे दीजिएगा सर, PDF दीजिएगा सर, PDF, हाँ सर आज वाला PDF सर दे दीजिएगा, हमारा छूटा है आज, आगे आ जाओ, तो पांडे जी कॉल किए तो आए कहे नहीं है, देखो ये भाई ये भाई ये भाई देखो ना भाई जल्दी भाई, वो क्या किए हैं लास्ट ईयर करवाए हैं, वो जल्दी बताओ ना आगे करवाए हैं, वो वाला आगे बढ़े क्या, क्या बोल रहे हैं, नहीं को हो गया है सर, वो भारत की प्रमुख झीलें, झील हो चुका है सर, बताओ डल झील का, झील हो गया हुआ है, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में पिछौला झील, जम्मू कश्मीर पिछौला झील, राजस्थान,
राजस्थान राजस्थान पुलिकट झील तमिलनाडु 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 आगे आ जाओ देखो प्रमुख फसलों के जन्म स्थान इतना अंदर जाएगा चलो भारत का किसका किसका जन्म स्थान नहीं सर ये नहीं लिखवाइएगा सर किसका जन्म स्थान जैसे कि धान का कहाँ है मक्का का कहाँ है नो सर ये सर नहीं पूछेगा कहाँ से आया है आलू कहाँ से आया है बहुत सारी डीप हो जाए ज्यादा डीप हो रहा है ना सर बांध लिखाइए ना अच्छा सर ये बहुत लेवल बांध तो लिखवा दिए सर बांध देखिए हम भी लिखवाए थे मीडिया भेजेगा सर आज का क्या सर बांध नहीं आज पीडीएफ मिलेगा ये सर आगे अरे भाई टेंशन क्यों ले रहा है पीडीएफ मिल जाएगा अरे भाई भूख लग गया नाश्ता करने मिल जाएंगे इसीलिए हाँ तो मिलेगा पीडीएफ ऐसा नहीं है वीडियो भी मिलेगा और पीडीएफ भी मिलेगा अच्छा एक क्रांति विभिन्न कृषि क्रांति आ जाओ एक इम्पोर्टेंट है अरे भूख लगा है हम भी सुबह से देखो मैसे ही खुद है ये सर आप तो सर को भी भूख लगा होगा ऐसा थोड़ा कि हम ही को लगा है आप भूखा तो हम और हैं ज्यादा भूखर तो हम तो बोलियो ले रहा है सर आप तो इतना देर से बोल रहे हैं हम तो और बड़का हम लोग तो कम से कम थोड़ा शांत भी है विभिन्न कृषि क्रांतियां ये इम्पोर्टेंट है जरा सा सर ये क्या है कृषि क्रांति देखो ना लिखोगे तो समझ में आ जाएगा अगर लिखी ना एकदम पूरा समझ जाएगा इसका इंग्लिश में बता दीजिएगा तो जैसे कि आपकी आई थी हरित क्रांति आई थी ना अच्छा वो बोला जो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है फिर श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से तो ये इम्पोर्टेंट है आपका हो जाता है तो इसको ऐसे करते हैं इसको एक काम करते हैं एक बॉक्स बनाते हैं एक ऐसे करके बॉक्स बनाते हैं ये बॉक्स इस बॉक्स में बीच में एक लाइन बनाते हैं ये लाइन बनाते हैं ठीक है इस लाइन में एक और लाइन बनाते हैं ठीक है और इधर को लिखते हैं इधर को लिखो हरित क्रांति बोलेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे है हरित क्रांति तो आप करोगे खाद्यान्न उत्पादन खाद्यान्न कहने का मतलब कि गेहूं चावल ये सब गेहूं पर सबसे ज्यादा असर पड़ा था हाँ उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन फिर आ जाएगा श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन सर श्वेत क्रांति तो दुग्ध उत्पादन दुग्ध मतलब दूध देखो भाई ये सब गलत आदत हो गया फिर गलत काम करने लगते हो बताओ सर क्या हो गया माई कौन करके चावल दाल खिला रहा है सब श्वेत क्रांति के बाद नीली क्रांति बताओ कोई कोई भी मछली मछली सर मत्स्य उत्पादन मछली सर मछली आज एकदम पढ़ते हैं रुको ना एकदम पढ़ा पढ़ा के तुम्हें पेंसिल बना देंगे कितना बढ़िया से सुंदर सुंदर लिख रहे हैं देख रहे हो नीली क्रांति के बाद आ जाओ पूरी क्रांति भूरा रंग का कौन होता है सर हमको पता नहीं भूरी क्रांति उर्वरक काफी काफी पढ़ा गए समझ नहीं आ रहा है उर्वरक उत्पादन ये पीली क्रांति सर ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये क्रांति वाला है कि नहीं है पीली क्रांति सर एक आध क्वेश्चन क्रांति करें लिख तो रहे सर आ जाओ ना आ जाओ फिर आ जाओ पीली क्रांति सरसों सर तेलहन होगा लेकिन इसका सरसों सही है लेकिन आ जाओ आठ घंटा भी करो ना तो बड़ा बढ़िया से हो जाए सर कितना घंटा आठ घंटा सर हो जाएगा क्या दिक्कत है सुनहरी क्रांति जब लाइब्रेरी जब आप लेटे से हम जाना है फल उत्पादन सुनहरी क्रांति का संबंध किस ऐसे है तो फल उत्पादन ठीक है अब देखो आओगे आ जाओ जन्म स्थान छोड़ो आ जाओ उत्तर रेलवे का मुख्यालय नहीं छोड़ो ये सब छोड़ बेलम पूछता हूँ
हवाई अड्डा तो लिखा दिया, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई मुंबई में है, हवाई अड्डा लिखवाए हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला पांच राज्य, न्यूनतम जनसंख्या वाला हाँ, यहाँ ये हो चुका है, लेकिन ये सर हवाई जहाज वाला नहीं हुआ है सर, वो भी नहीं है। अब जो बोल रहे सर्वाधिक जनसंख्या वाला पांच राज्य बैकअप में, वो भी नहीं, जहाज वाला नहीं हुआ। हाँ तो बैकअप जो बैकअप सर दो बैकअप हुआ है उसमें कितना हो जाएगा? नहीं तो आज आज तीसरे बैकअप में ना करते हैं हम लोग, अब फिर कहानी खत्म करते हैं, ठीक है? फिर इसके बाद और बैकअप दीजिएगा। नहीं सर हिस्ट्री में कुछ इसमें बचा है, देखो वंश वाला बैकअप में लिखवा दिए है ना? नहीं सर नहीं लिखवाए हुए है, वंश वाला हरियक वंश ये सब गुप्त वंश नहीं, कुछ नहीं लिखवा, कुछ नहीं लिखवाए हुए है, बोला कि करवा दिए है सर, बैकअप में नहीं करवाया है, अब इधर उधर करवाया है वो हमको नहीं, नहीं सर बैकअप नहीं करवाया है हमको, छोटा लेट से हुए हैं। अरे वो जिसमें भी करवाया होंगे बैकअप में नहीं है ये दोनों, इतना हमको पता है, बैकअप में जितना लिखा है सर बैकअप में 184-185 है, ये क्वेश्चन छोटा हुआ है, ठीक है तो बैकअप जो बैकअप नहीं उसको हम लोग को करवाना ही करवाना है। विद्रोह विद्रोह वाला नहीं पूछेगा सर, तो लोगों से विद्रोह नहीं पूछेगा आप विद्रोह कीजिए। यस सर आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, लिखो छोड़ो ये सब को छोड़ो, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ला आओ जनसंख्या आप छोड़ते चलते हैं, आगे आ जाओ, अच्छा अच्छा चीज आप लिखेंगे, अब यहाँ से आधा एक घंटा लगेगा जिसमें हम अच्छा अच्छा चीज पढ़ेंगे, ठीक है? सेंसेक्स, सेंसेक्स पढ़ेंगे, अब लिखो, अब आगे आ जाओ, सबसे पहले पढ़ते हैं जनसंख्या, अब बताना जिसको मालूम रहेगा वो बताना, आ कितने लड़के हो अभी देखे, कहाँ गया तुम लोग? 44, 45, 43 जनसंख्या, तो पहले लिखो भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, नंबर वन में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत के सर्वाधिक, भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले पांच राज्य, वाले राज्य तीन ही पूछो पांच की, तो जल्दी जल्दी करते हैं, यूपी बिहार, यूपी महाराष्ट्र बिहार, बस 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 हो गया, एक अब ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा हो रहा है, अरे ऐसे ही लिख दीजिए ना, ऐसे ही लिख देते हैं, ज्यादा डिजाइन की भगाइए ये लोग, ये सर ज्यादा डिजाइन कितना डिजाइन बनाइए लिखेंगे तो कृपया आप उसे ये लिखो, उत्तर प्रदेश पहला, उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का है, ठीक है? यस सर 10.5 है, हाँ प्रदेश नहीं पूछेगा उतना हमें नहीं पता है, दूसरा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र महाराष्ट्र, तीसरा क्या है आपका? बिहार, बिहार बिहार है, तीन तीन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 2011 के अनुसार भाई न्यूनतम जनसंख्या भारत के, न्यूनतम न्यूनतम जनसंख्या लक्षद्वीप, सिक्किम, सिक्किम मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश सर राज्य है, ये मेरा तीसरा क्लास है ना अभी, हाँ सर तीसरा ही क्लास है, रीजनिंग पहला था दूसरा फिर लिए तुम लोग का तीसरा, ये सर तीसरा भी हमें लोग का है, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य बताओ, पहला सिक्किम, सिक्किम मिजोरम और मिजोरम अरुणाचल, हां सिक्किम बी में आपका मिजोरम, थर्ड में अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल और गोवा चौथा, हां चौथा नंबर पे गोवा, लिख रहे हो ना? हाँ सर लिख रहे हैं, कितना पेज हुआ होगा जब इस समय से,
आ जाओ। यूपी की जनसंख्या है 19,98,12,341। सर जनसंख्या भी लिखो या क्या कितना है? लिख लो ना, क्या फर्क पड़ता है, एक नजर देख लेना। 19 करोड़ कितना बताए थे? 19,98,12,341। 98,12,341 ना। यस सर। ठीक है। और सिक्किम का जो सबसे कम जनसंख्या है जिसका है 6,10,500। पता नहीं, 0.05% है लोग। एक बार लिखवाए थे 10 में 16.5 है कैसे करके, तो याद करने से सर थोड़ा सा बैक कीजिए तो उससे भी हो जाएगा, नंबर नहीं पूछता है। आगे आ जाओ सर, लिखवाए थे तो आगे आ जाओ। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाला 5 राज्य। दशकीय मतलब 10 सालों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला। आपका जनगणना 10 साल पे होता है ना? ये सर बिहार होगा, मेघालय होगा। मेघालय अरुणाचल प्रदेश। पहला मेघालय अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल सही बात जी सर। इन करंट में भी पश्चिम बंगाल है। बहुत पढ़ाई पढ़े वाला ढेर है। 2011 के हिसाब पहले बता रहे, 2011 का हम डाटा लिखवा रहे हैं। कल को ये मत बोलना कि सर डाटा गलत है, डाटा हम 2011 का पढ़ा रहे हैं। जनगणना 10 साल पर ना होता है सर, तो इस बार होना चाहिए ना। हाँ तो अभी हुआ नहीं है ना, तो तब तक जो नहीं हुआ तब तक तो यही पर हो गए। पहला सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले राज्य। ठीक है, दशकीय वृद्धि मतलब सर मतलब 10 सालों में जो वृद्धि किया, 10 सालों में वृद्धि कैसी में मतलब जनसंख्या में अभी देखो अभी कितना है 2021 है, ठीक है 22 है, तो मेरे पास अभी 100 रुपया है, तुम्हारे पास भी 100 रुपया है। ठीक है, और 2000 जैसे ही 32 आया, 2032 तो मेरे पास आया 100 करोड़ और तुम्हारे पास आया 1,000 रुपया, तो कौन ज्यादा दशकीय वृद्धि किया? कौन किया बताओ? हम किए ना, वही बात उलट कर दो, तुम इतना वृद्धि करोगे 10 साल में, हम 1,000 करेंगे। टेंशन मत लो, आशीर्वाद बना है भाई का। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 राज्य। ठीक है, पहला नंबर मेघालय, दूसरा नंबर अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा नंबर जो आपका है बिहार होगा। ठीक है, अगला लिखो न्यूनतम दशकीय वृद्धि। पांच क्यों लिखे हो ना, तीन तीन राज्य पढ़ रहे हैं ना। न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाले बताओ, पहला कौन है? केरल और नागालैंड। नागालैंड और केरल। नागालैंड का घट ही गया था। और दूसरा केरल। और तीसरा गोवा। गोवा इनके सीखते थे। गोवा। ठीक है, अब जनसंख्या घनत्व। स्क्रीन रुका हुआ है सर। स्क्रीन रुक गया? वही तो यार, अब चल गया। चल रहा, चल रहा। नहीं सर नहीं रुका है, हमको लग रहा है हमारा नेट चल रहा है सर। पीछे कीजिए ना, कहाँ पे रुका था सर? गोवा जो जब लिख रहे थे सर उस समय रुका था। ओके, अब 3 घंटा फिर शाम में भी पढ़ाना है। चलो 3 घंटा तो शाम में आराम से पढ़ लो। आ जाओ, लिखो सर्वाधिक कहाँ पे थे,
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डेंसिटी। अब एक किलोमीटर में कितना व्यक्ति रहता है, ये तो नंबर वन में है बिहार, 1106 होगा लिखवाए थे को। दूसरा बिहार पश्चिम बंगाल, दूसरा आपका पश्चिम बंगाल 128, तीसरा मुंबई महाराष्ट्र, तीसरा केरल होगा, पश्चिम बंगाल का 1028। ये क्या है, व्यक्ति है, एक किलोमीटर स्क्वायर में 1106 व्यक्ति रहता है। तीसरा केरल 160 सर, 860, ये व्यक्ति का नाम है, नाम नहीं है मतलब व्यक्ति है अपना। एक किलोमीटर पर सर 1106 है बिहार, मतलब सर एक किलोमीटर में 860 व्यक्ति रहता है, एक किलोमीटर स्क्वायर, मतलब एक किलोमीटर स्क्वायर मतलब कहने का ना, ये एक किलोमीटर इधर को एक किलोमीटर सर 1106 लिखे तो मतलब एक किलोमीटर, एक किलोमीटर स्क्वायर जो है ना इसमें 1106 आदमी रहता है। अभी मत समझ लेना कि 1106 कहीं, जैसे कि कहीं कम भी हो सकता है, कहीं औसत निकला है ना सबका, ये औसत निकला है, कहीं पे और ज्यादा हुआ कहीं और कम, तो ऑल ओवर जब औसत निकाला गया तो 1106 का एवरेज है। हाँ, कोई भी चीज एवरेज निकलता है ना। हाँ, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, तो बताओ पहला नंबर पे कौन है, अरुणाचल प्रदेश, जानते हो यहाँ कितना व्यक्ति रहता है, 17 की सर 18 ऐसे ही 17 है सर, 17 मात्र, यहाँ बिहार में 1106 पर यहाँ मात्र 17। मिजोरम 52, और तीसरा जो आपका है सिक्किम, सिक्किम में जो है 86, ठीक है सर 76 है ना, 86 आगे आ जाओ, अगला आ जाओ, अगला ले आगे बढ़े हैं, यस सर, नो सर, ये रुकिए रुकिए, 19 पेज बन गया, अभी तो बहुत दूर जाना यार, अभी तो जिससे निकलने के बाद हम लोग बहुत सा अलग अलग विविध वाला भी बहुत सा बच्चा हुआ उसको कर सर, वो पूछना ये है कि मतलब सर्वाधिक जनसंख्या, सर मेरी बात सुनिए ना, सर नहीं सुन रहा है, बताइए क्या बोले कि नहीं सुन रहा है कर जो बता रहे सर्वाधिक जनसंख्या वाला भाई तुम्हें रोक, मतलब बिहार तो उसमें 1106 एक किलोमीटर में लोग रह रहे हैं क्या, हाँ एक किलोमीटर स्क्वायर, यही कंफ्यूज मत किया, एक किलोमीटर में नहीं एक किलोमीटर स्क्वायर। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य लिखो, पहला नंबर कौन है, केरल, केरल लिंगानुपात मतलब समझता है, हाँ सर लड़कियों की संख्या ज्यादा या कम, हाँ 1000 1000 लड़कों पे लड़कियों की संख्या, तमिलनाडु में 996 965 है, और आंध्र प्रदेश तीसरा, आंध्र प्रदेश में आपका कितना 993, ठीक है आगे आ जाओ। न्यूनतम लिंगानुपात अब बिहार का कितना है सर्च करो तो, 932-33 कितना बताया था उस दिन, 16 कितना, हेलो मैसेज कर दे, नेटवर्क गया सर का, कहो ना क्लास बंद करने के लिए, अरे भाई का है बाद में रोता, यही सब होता है कि सर दीजिए बैकअप दीजिए, क्यों अपसेक भाई ऐसा क्यों, करना लो वही कर लो क्लास, हेलो हाँ सर क्या हो गया, अरे तेरे समझ में नहीं ना आएगा यार, जब नेटवर्क कट जाता है तब,
चलो नहीं कॉल कर दे रहा लड़का सब परेशान स्क्रीन रुक गया था सर मेरा वीडियो पॉज हो गया था लड़का कॉल कर दिया था सर्वाधिक लिंगानुपात वाले से आ जाओ बिहार का कितना था हेलो 946 सर इसका 40 था हरियाणा में 879 लड़की ही है 1000 लड़का पे फिर जम्मू एंड कश्मीर जम्मू कश्मीर में 889 एक ज्यादा 10 ज्यादा तीसरा आपका है सर राज न लिख पा रहे हैं सर सिक्किम 2011 का सेंसेक्स लिख पा रहे 890 हाँ भाई राजी लिखवा रहे हैं तो यार जम्मू कश्मीर आया था तो यार ठीक है सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य शिशु वाला नहीं पूछेगा छोड़ो उतना नहीं जाते हम आगे आ जाओ साक्षरता आगे बढ़े यस सर सर लिखवाई हो गया सर थोड़ा सा बैक कीजिए सर थोड़ा बैक कीजिए ना इसका इतना माइक ऑन है यार अच्छा ब्राजील में लड़कियों का संख्या ही ज्यादा है लड़कों का अच्छा किसका इतना ऑन है सर्वाधिक साक्षरता नंबर हेलो केरल 100 में 94 लोग जो होते हैं वहां के साक्षर दूसरा सबसे कम मिजोरम दूसरा आपका मिजोरम 91.3% और तीसरा जो आपका होता है गोवा इसमें 88.7% लोग बट सर ज्यादा मतलब बिहार के लोग सिविल सर्विस एग्जाम क्रैक कर रहे हैं सर एक ऐसा रेशियो है आ जाओ लिखो न्यूनतम साक्षरता नंबर फर्स्ट में लिखो बिहार इतने जोर से नहीं बोले बिहार का नाम 61.8% बिहार में कम है सर साक्षरता हाँ भाई इसके बाद अरुणाचल प्रदेश बट फिर भी सबसे ज्यादा मतलब बिहार के लोग एग्जाम क्रैक करते हैं 65.4% 38 और तीसरा जो है आपका राजस्थान क्या ना होगा राजस्थान 66.4 ऑनलाइन का यही 66.1 अलग अलग इलाकों से अलग अलग लोग आते हैं किसी का गाय भूखता बोलता है किसी का भैंस बोलता है यही विविधता में एकता यही ना हुआ आगे आ जाओ महिला साक्षरता चलो महिला पुरुष नहीं न्यूनतम साक्षरता ही आएगा सीधे सीधे लिखवा दिए ठीक है चलो छोड़ो इतना ठीक है सर ग्रामीण जनसंख्या सिर्फ लिखवा देते हैं इसमें क्या उसके बाद आज के गांव की जनसंख्या होएगा ग्रामीण वाला आएगा सर ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कहां सबसे ज्यादा गांव है कहां सर गांव में सर गांव में थोड़ी ना पूछेगा राज्य में पूछना नहीं पड़ेगा अच्छा ये लिखवाए हैं नदियों के किनारे भारत के प्रमुख बसे नगर नो सर ये सर लिखवाए सर हां सर
बैकअप में लिखवाया सर? बैकअप में नहीं है नहीं सर नहीं है तो देखो नो सर डैम के बारे में लिखवाया है भाखड़ा नांगल भाखड़ा नांगल बांध के बारे में परियोजना के बांध के बारे में परियोजना के बारे में सर लिखवाए थे भाखड़ा नांगल परियोजना और ये सब हमारा सब ये काम कर रही है देखो एक पर एक आदमी लिखो लिखो लिखोगे अब छोड़ोगे लिखवाइए ना सर रहने दीजिए सर आपका मना तो लिखवाइए हम लिखो नदियों के किनारे है क्या सर एक क्वेश्चन पूछना है बोलिए ना सर बोल रहे हैं कि रीजनिंग और जीके दोनों मिलाकर 40 नंबर पूछता है या सिर्फ जीके 40 नंबर का पूछता है रीजनिंग जीके दोनों मिलाकर मैथ वगैरह सब मिलाकर पर जीके का वेटेज रहेगा 20 से 25 नंबर का पक्का इससे कम क्या होगा आई उसमें हम मेरे को सर कोई एग्जैक्ट सेंटेंस बताइए जिससे जिस पर हम विश्वास कर सके तो पटने भाई एग्जैक्ट पता नहीं है ना वो तो पटने यूनिवर्सिटी नहीं बताया मतलब पार्ट में खाली 40 नंबर का रहेगा बस यार देखो आगरा सर इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है यमुना नदी यस सर लिखो इलाहाबाद गंगा गंगा नदी गंगा गंगा यमुना तो ऐसे तो तीनों का संगम है यहाँ पर सरस्वती विलुप्त होने वाली हो गई दिल्ली कितने यमुना यमुना सरस्वती कहाँ चलेगी सरस्वती अपने परलोक चली गई हरिद्वार गंगा लिखो कानपुर गंगा गंगा लालू इसको तो खेला थे अयोध्या सरयुग सरयुग हाँ सरयुग कोलकाता सर हुगली हुगली है सर हुगली नदी दामोदर कोसी है सर ना दामोदर ये है सर क्या बोलते हैं आ जाओ हुगली है भाई लखनऊ हाँ गोमती रिवर के किनारे आ जाओ सूरत ताप्ती नदी आ जाओ हैदराबाद मूसी नदी किनारे मूसी होगा हाँ मूसी आगे आ जाओ मथुरा सर यमुना नदी होगा सर नदी नदी जोड़ लेना ठीक है आगे आ जाओ यस सर वीडियो रुक गया नहीं सर ठीक है सही है सर ठीक है चल रहा है सर सर वीडियो चल रहा है जी आ जाओ उज्जैन क्या देखो क्लास करने के लिए आया देखो क्लास करने के लिए आया इनको पाल तो पढ़े वाला लगता है भैया छिप्रा नदी सर बैक बेंचर टॉप करता है सर लुधियाना सर इलाहाबाद का प्रयागराज सतलुज दिया गया है ना सतलुज सतलुज
देखो किसी के बैकग्राउंड में लड़ाई हो रहा है, ध्यान ना। चलो कहानी खत्म हो गया, आओ लिखवा, आओ लिखोगे सर, लिखवाइए ना। उसके बाद बंद कर दीजिए। हाँ सर, चार है, बैकअप लिख लो सर। आज इवनिंग में भी क्लास होगा। सर इलेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में बता दीजिए ना भाई। एकदम एक शब्द बोलने के हम 4 घंटे से लगातार बोल रहे हैं। तो चित्रा लिखे, क्या लिखे हैं जी सर? उज्जैन नदी का लिखे हैं।